जो चिता जल रही है वो शांत नहीं होगी। कफन और शासक का फेंक गया है, कल तक मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं स्वयं तेरे पास जाऊंगा। विक्रम ठाकुर विक्रम सिंह, ये कफन और कुटी के कातिल का नाम लिखकर भेज रहा हूं। इसे लेकर मैं खुद आता, लेकिन मुझे आपके इंसाफ पर विश्वास है। मैं जानता हूं मेरी बहन के कातिल से बदला लेने के लिए मुझसे ज्यादा आप बेचैन हैं। कुंदन मर चुका है, या ये कहो कि उसे मार दिया गया है। ठाकुर साहब, मरने से पहले मुझसे उसने गुड्डी के कातिल का नाम बताया है। उसका नाम है विजय सिंह, आपका छोटा भाई विजय सिंह। अब फैसला आपके हाथ में है, ये कफन से आप पहनाएंगे या फिर मैं। ध्यान रहे, मेरा इंतकाम ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। दशखत प्रताप सिंह, दरबारी भंडारी हरिराम, बुला विजय सिंह को बुला। हरिराम, इसके कपड़े उतार लो। विजय, मैं तुझसे जो कुछ सही सही बता रहा भैया, अब क्या पूछना चाहते हैं? और बता दे, और सही सही बता, और अगर चाहे अपना
बच्चे गाँव तक हाथों में ले रहा अरे है फरमान अरे विक्रम का क्या है क्या बेटा दादाजी और कहता है गुड्डी का कातिल विजय है क्या साबू है विक्रम तेरे दादाजी कुंदन ने मरते वक्त ये बातें प्रताप से बताई है प्रताप से बताई है हाँ प्रताप की बात में अगर तुमने उस कुंदन पागल की बात मान ली जिसे हर आदमी अपने बहन का कातिल नजर आता है याद है तुमने भी अपनी जमानत पर मुझे जेल से छुड़ा है याद करो दादाजी मुझे याद है लेकिन उसने प्रताप से ऐसा क्यों कहा जाहिर सी बात है विक्रम बेटे तुमने उसके बहन के काबिल का पता नहीं लगा सके इसलिए उसका बदला चुकाने के लिए तुम्हारा नाम लिया विजय का नाम लिया होगा विजय का नाम लिया होगा और तुमने प्रताप की बात में आकर उसकी बात मान ली सलाह तक मुझसे नहीं दी है दादाजी लेकिन मेरी शंका का समाधान कैसे होगा तू जानता है कि जोरावर सिंह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हमेशा सत्य बोला है मैं गवाही देता हूँ कि विजय निर्दोष है सत्य की गवाही दे रहा हूँ कि विजय निर्दोष है अब तो विश्वास हुआ विक्रम हाँ दादाजी मैं जितना आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ उतना मैं किसी के ऊपर नहीं करता हूँ आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई विजय मुझे माफ कर दी अरे पकड़े विजय क्यों माफी मांग बड़ा होकर ये माफी मांगा है भैया आप तो एक न्यायाधीश हैं दूसरों की गलती माफ करते हैं भैया मुझे माफ करो तुझे बहुत चोट लगी है विजय मैं अपने हाथों से तुम्हारी दवा करूंगा आओ मेरे साथ चलो बेटा कर विक्रम सिंह अभी तक कोई खबर नहीं आई कातिल का क्या हुआ मैं आ रहा हूं तुम्हारी हवेली तुम्हारे तुम्हारे ही पास आने वाले थे आओ प्रताप Yeah.
तो निर्दोष है, सुनो प्रताप सिंह झूठा आरोप पर लगाया गया। नहीं विक्रम सिंह, नहीं पता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मरता मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता।